लारी बहन वाली भी सीट है तो बैठने वाली है क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है और कैसी मशीन लेकर आया आप? राम सिंह नाम है मेरा, गांव आटी है। ये मशीन लाया डोको बनने के लिए, मशीन कटिंग करने के लिए। तो क्या कैसे कटिंग करती है और क्या कहां से लेकर आए और क्या इसमें खर्चा? पंजाब से लेके आए, पंजाब से लेके आई ये मशीन को। ओ, क्या इसमें जलता है? ये इसमें डीजल जलता है। कितने क्या जलता है डीजल? एक घंटे में 700 ml। 700 ml। तो क्यों लाने की जरूरत पड़ी इस बार मशीन आपको? इसलिए जरूरत ये पड़ी है कि मजदूर बहुत मिलते नहीं है, कटिंग सही पर होती नहीं है। जैसे में अगर सर्दी की ऋतु आ रही, हम क्या गए जीरा वगैरह बोए, इसमें क्या लेट पड़ जाते हैं, इसलिए क्या इसमें जल्दी कटिंग हो जाती है। कटिंग होने के बाद हम अगला काम शुरू करते हैं। तो कहीं आपको बुलाएंगे तो वहाँ भी आप काटने जाते हैं? कितने किसानों को लिए खुशी की खबर है? बड़ी अच्छी मशीन है। क्या लेते हैं आप एक घंटे के कटिंग करने के? इसके 1000 रुपये लेते हैं घंटे के। एक घंटे के 1000 रुपये लेते हैं। कितने लाख की मशीन आती है ये? ये 1,70,000 की है। 1,70,000 रुपये पंजाब से आप लेकर? ठीक है, तो इसको देखने आते हैं लोग आसपास के भी? जब लोग आए अभी किसान लोग आए देखने के लिए। ठीक, क्या नाम है आपका, कौन सा गाँव है और कैसी मशीन लाए? दादा नाम है, गाँव कूड का है मशीन, ये तो डोका कटिंग करने की बहुत अच्छी मशीन है, बढ़िया सब्जी। तो क्या फर्क है, पहले कैसे काटते थे डोके और अब कैसे काटते? पहले हाथों से काटते थे, मजदूर मिलते नहीं। हाँ, डोको का नाम देते कोई आते ही नहीं। हाँ, खोटने के लिए और आप जाते काटिंग डोको नाम दिए आवे, उस हिसाब से लाए मशीन, मशीन बढ़िया डोका बढ़िया काटे। तो क्या हाथों से काटने में इसमें काटने कितने फर्क है? फर्क तो फर्क कटने ही मौका ही कौन है, हाथों काटते ये निशी बहुत अच्छी बरबर जमीन बरू चलती है, हाथों से ऊपर काटता है। नहीं। पहले कभी मशीन ऐसी देखी आप लोगों ने? पहले नहीं देखी, पहली बार। बाकी आप रुकी नाम है, कयो गांव में? गोकर सिंह नाम है, गांव आती। केड़ी मशीन लाया है? मशीन तो ठीक लाया है, कटिंग करने वास्ते लाया। हाथों कटिंग करता है इसी, दांतों से कटिंग करता। बाजरा होता है, बाजरा की ज्यादा बाजरा होता है, कटिंग होती को नहीं, मजदूर करना पड़ा, मजदूर मिलता नहीं है। कटिंग करने वास्ते ले आया हूं। और जमाना भी जमा ठीक है, जोर है, जमान जोर है, बारिश ठीक है, बरसात असी हुई है, बारिश जोर है, ये कारण मशीन लाया नहीं, तो सीधा डोका आता तो ये लाता नहीं, मशीन की कर लाए घाटा डोका आ जाए, बड्डे को मजदूर मिले को नहीं, मजदूर की गर्मी पड़े, गर्मी मौसम में मजदूर आवे नहीं, पसीना होता मशीन आवे नहीं, ये कारण से भी मशीन ले आया तो ये कटिंग कर दे, पसे उड़ाने से बड़ा बेड़ा करे आगे की। मैं हमारे बेरा की उड़ा, बेरा की आगे बेरा शुरू करना पड़े, दियाली हुआ बेड़ा शुरू करना पड़े, वो आगे कृष्ण पासी जाप खाली कर देना पड़े, तो मजदूर मिलता नहीं, कटिंग होती नहीं है, जिसके पहली कटिंग कर दे उसको फिर नवरा कर देना, तो पासी फसल तैयार हो जाए। ठीक, आपका सर क्या नाम है, कौन सा गांव और कैसी मशीन बाजरी काटने के लिए कर रहे हैं? नाम छोटी सही है, गांव आटी है, और इन साल में तो पहली बार देखी है मशीन, बाकी यूट्यूब पास तो देखा हूँ। ये बढ़िया है कि डोके नीचे कटिंग हुए और टाइमली हुए, भी मजदूर थोड़े महंगो पड़े, और प्रसादी है सर्दी और मौसम में पास होता है, जो जीरा वगैरह बोला टाइम में जल्दी निपट जा, अच्छी मशीन है। तो कितो किसानों के लिए राहत की खबर है? राहत की खबर है, मजदूर मिलते नहीं, तो ये शायद ये घंटे में टीका की कटिंग करते ही, अच्छी मशीन है। ठीक, क्या नाम है, कौन सा गांव और कैसी मशीन है? मेरा नाम हरत सिंह है, गांव बालेरा है। ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, तो ये मशीन पहली बार आई है, और ये डोका काटने के लिए गेहूँ सरसों सब कटिंग होती है इसमें, और इस बार जमाना भी अच्छा है तो ये मशीन इसलिए उपयोगी है। तो मैन पावर की कमी है, मजदूरों की कमी होती है, ऐसे में मशीन कितनी कारगर साबित हो रही है? जो मजदूर 10 मजदूर नहीं करते एक दिन में, इतनी ये अकेली मशीन काट देती है, इसलिए बहुत ही अच्छी मशीन है।